हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल एट द चंडीगढ़ करियर ग्रुप। सो गाइस, हम जो है स्पोर्ट्स जीके को कवर कर रहे हैं एफ कैट के लिए, राइट। और ये जो होगा स्पोर्ट्स जीके का लास्ट पार्ट होगा, इसी के साथ जो है हमारी स्पोर्ट्स जीके पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो डिफेंस होगा, हम डिफेंस को अच्छे से जानेंगे। लेकिन आज जो ये लास्ट पार्ट है इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम जो है स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज़ को देखेंगे। हमारा जो फोकस होगा ये किसके ऊपर होगा, स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज के ऊपर होगा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनता ही है, तो हम जो है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो है हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रही, क्योंकि इतनी सारी जो है स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज हैं, राइट, इनको कैसे लिंक करना है, इनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सबसे पहले हम जो है गेम वाइज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी है, उसके बाद जो है हॉकी में कौन कौन सी है, एक तो हम ऐसे देखेंगे। दूसरी तरीके से जो क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है कि इंडिया का कौन सी है, बाहर की कौन सी है, मतलब कि क्या नेशनल ट्रॉफी कौन सी है और इंटरनेशनल ट्रॉफी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। इसी के साथ जो होगा हमारी स्पोर्ट्स सीखे जो होगी खत्म होगी। सर स्टार्ट करते हैं क्रिकेट के साथ में। तो क्रिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो है सीरीज देखने में मिल जाएगी वो होगी एशेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एशेज है ये बेसिकली जो है कि जो ट्रॉफी है किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है क्रिकेट के साथ में। ऐसे आपको एशिया कप देखने को मिल जाएगा, लेकिन एशिया कप जो है आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि एशिया कप बाकी गेम्स में भी खेले जाते हैं, तो इसलिए जो है आपको याद नहीं रखना है, राइट। जो याद रखना होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको जो है पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ऐसी भी कोई ट्रॉफी है जो कि एसोसिएट करते हैं क्रिकेट के साथ में। यदि हम बात करते हैं बेंसोन एंड हेजिस, जो ये जो है आपका ट्रॉफी है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। काफ़ी कॉर्नर की इन्फॉर्मेशन है, बहुत रेयर होगा पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगली जो ट्रॉफी आपको देखने में मिल जाएगी ये सर कौन सी होगी, सी के नायडू ट्रॉफी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देखने में मिल जाएगी, इंडिया की ट्रॉफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सी के नायडू ट्रॉफी। तो अभी तक आपको जो है क्रिकेट में दो ट्रॉफीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, पहली जो होगी एशेज होगी, उसके बाद आपको सी के नायडू देखने को मिल जाएगी। यदि हम बात करते हैं कोच बहर ट्रॉफी के बारे में, तो ये याद नहीं रखनी है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं देवधार ट्रॉफी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, देवधार ट्रॉफी, जो देवधार ट्रॉफी इट इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको जो है ऐसे ही चीज़ों को खुद भी बोलते रहना है ताकि जो है आपको याद होता रहे। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ देवधार ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, तो ये ऐसे ही, यदि हम आप सारी ट्रॉफीज को 3-4 बार खुद बोल लोगे तो जिसमें रिकॉल करने का टाइम आएगा पेपर के अंदर, ऑटोमेटिकली आपकी गट फीलिंग जो है राइट आंसर पे आपको टिक करवा ही देगी। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में बोलना भी है। तो सर जो देवधार ट्रॉफी है इट इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट। वहीं पे दिलीप ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो दिलीप ट्रॉफी होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, राइट। तो क्रिकेट के अंदर अभी तक हमने जो है चार ट्रॉफीज को बहुत अच्छे से देखा, पहला जो है एशेस होगा, दूसरा जो है सी के नायडू होगा, थर्ड जो है देवधार ट्रॉफी होगी, फोर्थ जो है दिलीप ट्रॉफी होगी, फिफ्थ भी आपको याद रखनी है ये है जी डी बिरला ट्रॉफी। क्या देखने मिल जाएगा सर, जी डी बिरला ट्रॉफी। तो जी डी बिरला जो ट्रॉफी है इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्रिकेट। वहीं पे हम बात करते हैं गुलाम अहमद ट्रॉफी, याद नहीं रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पे आईसीसी, जहाँ पे वर्ड आईसीसी लग गया राइट, तो वहाँ पे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, तो क्रिकेट की बात हो रही है तो वर्ल्ड कप होगा, भले चैंपियन ट्रॉफी होगा, इजिली आप जो है गेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपको जो है उनका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आईसीसी है इसको जो है फाउंड कब किया गया है, आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राइट। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ पता होगी। तो आईसीसी को जो है फाउंड कब किया गया और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है, कि ये जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी भी किसके साथ एसोसिएटेड है, ईरानी ट्रॉफी इज आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है, क्रिकेट के साथ जो है एसोसिएटेड है। अलग आपको नाम से पता चल लग सकता है कि कहीं ईरान की कोई ट्रॉफी होगी, इंटरनेशनल ट्रॉफी होगी, नहीं, ये इंडिया की ही ट्रॉफी है और जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। तो अभी तक आपको जो है क्या करना है, जो पांच ट्रॉफीज हैं इनको अच्छे से याद करना है। पहला सर एशेस हो गया, दूसरा सी के नायडू, थर्ड देवधार, फोर्थ दिलीप, फिफ्थ जो आपको देखने को मिल जाएगा ये होगा ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेहरू कप, तो नेहरू जो कप है ये जो है नेहरू कप बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा, दो और तीन और भी गेम्स है जिसके अंदर आता है। तो क्रिकेट में जो नेहरू कप है इतना प्रोमिनेंट नहीं है, नहीं पूछते हैं, और एमआरएफ वर्ल्ड कप ये कुछ आपको याद नहीं रखना है।
ठीक है। यस तो सर क्रिकेट में आपको जो है याद कितना रखना है, सिर्फ चार से पांच चीजें याद रखनी है। पहला कौन सा होगा एशेस, दूसरा कौन सा होगा सी के नायडू, दूसरे डी से दो बनेंगे, एक सर देवधार होगा, एक आपको दिलीप देखने को मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है ईरानी ट्रॉफी याद रखनी है। तो ये पांच ट्रॉफीज जो है जैसे आप याद करोगे वैसे आपका क्रिकेट में जो है ट्रॉफीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहला जो होगा ये एशेस होगा, दूसरा जो होगा सी के नायडू, थर्ड आपको देखने मिल जाएगा देवधार, फोर्थ दिलीप, फिफ्थ ईरानी। इसी के साथ हमारा क्रिकेट क्या होता है कंप्लीट होता है। अलॉन्ग विद दैट सर क्रिकेट में कुछ और भी है लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो रानी झांसी ट्रॉफी याद नहीं रखना है, रणजी ट्रॉफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है। तो सिक्स सर कौन सी होगी, रणजी ट्रॉफी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो होगी रिलायंस कप याद नहीं रखना है, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, इसके ऊपर जोर नहीं डालना है, बस आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ हमने सुना है, तो गट फीलिंग के बेसिस पे आप आंसर इसको टिक कर पाओ। जो याद करना है सिर्फ वही याद करना है। उसके बाद रॉथमन ट्रॉफी ये भी याद नहीं करनी है लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्रिकेट का एसोसिएटेड है। सहारा कप याद नहीं करना है, राइट, ये भी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। शीश महल ट्रॉफी याद नहीं करनी है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी याद नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे जो है विजय एक आपको देखने मिल जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी, क्या देखने मिलेगा, विजय हजारे ट्रॉफी इसमें मेंशन नहीं है, ये याद रखनी है। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है इट इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, और जो 2021 की ट्रॉफी थी इसको किसने जीता है, इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने क्या जीता है, जो विजय हजारे ट्रॉफी है क्रिकेट की 2021 की उसको जीता है, तो पता होना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है। बस आपको सिर्फ सात ट्रॉफीज को याद रखना है और इसी के साथ जो है आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा क्रिकेट। अब हम बात करेंगे सर फुटबॉल की। तो सर सबसे पहले जो मेरे कुछ क्वेश्चंस हमेशा की तरह आपसे रहेंगे, जब भी हम फुटबॉल की बात करेंगे आपको क्या करना है ये बताना है, जो फीफा है ठीक है इसको जो है फाउंड कब किया गया, राइट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको जो है चीज़ें कहाँ पे लिखनी है कमेंट बॉक्स में लिखनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी सारी चीज़ें कवर की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। और आपको जो है इसको क्या करोगे सर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है टाइप करोगे या लिखोगे, जितना ज़्यादा आप आंसर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। यदि आपको रिकॉल भी नहीं हो पा रहा है तब भी आपको क्या करना है, भले गूगल कर लो लेकिन जो है तभी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगी। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, पहली जो ट्रॉफी देखने मिल जाएगी ये होगी बंदोदकर ट्रॉफी, याद रखनी याद करनी है बिल्कुल नहीं करनी है, बंदोदकर ट्रॉफी एसोसिएटेड है फुटबॉल के साथ, बस दो तीन बार ऐसे बोल लेना, याद करने पे फोकस नहीं करना है। उस बाद चक्रा गोल्ड ट्रॉफी याद नहीं करनी है, नहीं पूछेगा, राइट, चक्रा गोल्ड ट्रॉफी बस पता होना चाहिए कि फुटबॉल के साथ है, कहीं सुना हुआ है हमने बस। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कोलंबो कप ये याद नहीं करना है, राइट, यदि हम बात करते हैं डीसीएम ट्रॉफी ये याद नहीं करनी है, डीसी डॉक्टर बीसी रॉय जो आपकी ट्रॉफी है फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है ये याद करनी है, ठीक है। तो डॉक्टर बीसी रॉय जो ट्रॉफी है इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करते हैं दुरंत कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद करना ही है, जो दुरंत कप है इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, पता होना चाहिए। तो सर दुरंत कप जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, राइट। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यूरोपियन चैंपियंस कप, ठीक है ये याद कर लेना, हाँ फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड लग गया, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप क्या होगा क्रिकेट का होगा, फीफा किसका होगा फुटबॉल का होगा, याद नहीं करना है। उसके बाद जो है आईएफए शील्ड याद नहीं करना है, राजा मेमोरियल ट्रॉफी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर हमें याद क्या करना है फुटबॉल में, अभी तक हमने दो ट्रॉफीज को याद करना है, एक आपका क्या आ गया दुरंत, दूसरा क्या गया डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, दैट्स इट, सिर्फ इतना आपको याद करना है, बाकी के आगे मिलेंगे। यदि हम बात करें सर किसके बारे में, कलिंगा कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद करना है। कलिंगा हो सकता है आप हॉकी के साथ कन्फ्यूज करो लेकिन हॉकी के साथ कन्फ्यूज नहीं करना है, ये बेसिकली जो आपको क्या देखने मिल जाएगा इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल। वहीं पे मेडका कप हमने पढ़ा है, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जो मेडका कप है पहली बार किसने जीता था, राइट, पहला ये भी आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, और यदि नहीं भी पता है तो आप फिर से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मेडका कप किसके साथ है, किसने जो है पहली बार जीता था, आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो ये रघुवीर सिंह मेमोरियल कप, ये भी आपको याद रखना है, ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल। रोवर कप की बात करते हैं तो रोवर कप की किसके साथ एसोसिएटेड होगा, ये भी आपको जो है फुटबॉल के अंदर देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको दुरंत कप देखने को मिल जाएगा, दूसरा होगा सर संतोष ट्रॉफी,
जो संतोष ट्रॉफी है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, याद रखना है ये, राइट। तो अभी तक आपको जो है क्या क्या याद रखना है फुटबॉल में, एक आपको डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपको दुरंत कप के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद जो है आपको जो है कलिंगा कप के बारे में पता होना चाहिए, मेडेका कप के बारे में पता होना चाहिए, रॉवर कप के बारे में पता होना चाहिए, और वहीं पर संतोष ट्रॉफी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने मिल जाएगा, एक जो ये दो याद कर लेना, ठीक है, एक आपको सुब्रता मुखर्जी देखने मिल जाएगा, आशुतोष मुखर्जी, तो सर मुखर्जी जहां पे वर्ड देखेगा उसको सीधा लिंक करना फुटबॉल के साथ, आपका काम बन जाएगा, राइट। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होंगे सर, फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड होंगे, वहीं पे सुब्रता से क्या बनेगा, सुब्रतो बनेगा, सुब्रतो भी याद रख लेना सर किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी जो है फुटबॉल के साथ ही एसोसिएटेड है। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, हॉकी के बारे में। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, ठीक है, जिसको हम FIH कहते हैं, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसको जो है फाउंड कब किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, यदि आप यहाँ पे रिकॉल कर पा रहे हो तो एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्वियसली आपके लिए टास्क काफ़ी ईजी होने वाला है। तो सर आपको ये बताना है FIH को जो है फाउंड कब किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगा खान कप किसके साथ एसोसिएटेड है, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद द किसके साथ होगा सर, ये आपको देखने को मिल जाएगा हॉकी के साथ देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी इंडिया की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ एसोसिएटेड है ये देखने को मिल जाएगा कि हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सर एक आपको क्या देखने मिल जाएगा, अजलान शाह कप क्या देखने मिल जाएगा, मे भी यहाँ पे नहीं लिखा है, अजलान शाह कप भी किसके साथ एसोसिएटेड है, हॉकी के साथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या याद रखना है सर, आपको याद रखना है इनमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु नानक नहीं पूछेगा, और उसके बाद जो है ये भी नहीं पूछेगा, हॉकी वर्ल्ड कप तो आपको पता रह ही जाएगा, इंदिरा गोल्ड कप ये याद रख लेना, ठीक है। तो सर जहाँ पे गोल्ड वर्ड दिख गया उसको सीधा हॉकी के साथ लिंक कर देना, जैसे जहाँ मुखर्जी दिखा उसको फुटबॉल के साथ लिंक करना, वैसे ही जो है इंदिरा और जो है बॉम्बे गोल्ड कप ये दोनों किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है आपके हॉकी के साथ में। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, कप्पू स्वामी नायडू कप जो है याद रख सकते हो तो रख लेना, ये है कहीं ना कहीं एसोसिएट करता है सर किसके साथ में, हॉकी के साथ में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंदिरा गोल्ड कप यही नहीं करना है। उसके बाद जो होगा जहाँ पे गोल्ड दिखा वहाँ पे हॉकी के साथ सीधा लिंक करो, रंगा आपको क्या देखने मिला, रंगा स्वामी कप इंपॉर्टेंट है, तो जो रंगा स्वामी कप है इट इज़ एसोसिएटेड विद द हॉकी। वहीं पे सीके नायडू ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड थी, क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड, तो ऐसे याद रख सकते हो। रणजीत सिंह गोल्ड कप जहाँ पे वर्ड गोल्ड दिखा सीधा लिंक करो किसके साथ में, जो आपका क्या है हॉकी के साथ में। जहाँ पे जैसे ये देखा मुरुगप्पा गोल्ड कप सीधा कहाँ पे सर, मोदी गोल्ड कप सीधा हॉकी के साथ लिंक करो, क्योंकि आपसे कोई यही नहीं पूछने वाला कि कितनी हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफी है, आपको ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा, आपको गेम बताना है, तो बस आप ऐसे याद रख सकते हो। वहीं पे नेहरू ट्रॉफी हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, तो लेकिन ये हॉकी वाली याद रखनी है, नेहरू ट्रॉफी जो है किसके साथ एसोसिएटेड है ये देखने मिल जाएगी आपकी हॉकी के साथ में। वहीं पे स्किंदिया गोल्ड कप जहां विद वर्ड गोल्ड दिखा सीधा लिंक करो किसके साथ में, हॉकी के साथ में। जैसे टॉमी इमाम गोल्ड कप गोल्ड वर्ड दिखा सीधा लिंक करो हॉकी के साथ में। यस, अब हम पढ़ेंगे सर बैडमिंटन की तरफ, ठीक है। तो बैडमिंटन की जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको फाउंड कब किया गया है, पहला क्वेश्चन ये बताना है, दूसरा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन ये बताना है, ठीक है। यस, तो सर इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसमें जो याद रखो ना, सबसे पहले उबर कप, ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि उबर कप को जो है फर्स्ट टाइम किसने जीता था, राइट, पहले आप ये बताओगे। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए जो उबर कप है इट इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन। वहीं पे थॉमस कप इसी ये भी पहली बार किसने जीता था ये भी आपको बताना है, और इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन, ठीक है, पता होना चाहिए, राइट। तो सर इसमें यही देखने को मिल जाएगा और काम का कुछ नहीं है। ये डाइवेन कप इसको भी आप याद रख सकते हो, यदि रखो अदरवाइज बहुत रेयर होगा यहाँ से कुछ पूछेगा। बाकी जो है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, अब सर आपका मन में ये आएगा कि सर आपने तो ये बोला था कि जो गोल्ड आएगा तब आप हॉकी पे टिक करो, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप को पूछ लिया जाए और उसका आंसर बैडमिंटन, हम तो हॉकी मारेंगे, तो एक आप क्या कर सकते हो, ऐसी एक्सेप्शन को याद रख सकते हो। आपको जो है ऐसी एक्सेप्शन को याद रखनी है कि जहाँ पे जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ गोल्ड दिखेगा वहाँ पे मैं बैडमिंटन के लिए जाऊँगा, अदरवाइज गोल्ड का मतलब क्या होगा, सीधा मैं हॉकी ही टिक करूँगा, राइट। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टेनिस के बारे में। तो सर पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि टेनिस की जो आपकी बॉडी है, जो आपकी क्या देखने मिल जाएगी, जो टेनिस की जो है
इंटरनेशनल बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसको जो है फाउंड कब किया गया है? सर सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो डेविस कप है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। इसको जो है फर्स्ट टाइम, इसको जो है फर्स्ट टाइम किसने जीता था आपको ये बताना है। उसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो है विंबलडन किसके साथ एसोसिएटेड है, फ्रेंच ओपन किसके साथ एसोसिएटेड है, यूएस ओपन किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके साथ एसोसिएटेड है, सारे सारे जो है लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुछ भी काम का नहीं है जो कि आपको याद रखना है, बस पढ़ लेना एक बार कि ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे सर पोलो के बारे में। तो यदि हम पोलो के बारे में बात करते हैं तो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इजरा कप क्या देखने मिल जाएगा? इजरा कप, इजरा कप पूछेगा किसके साथ एसोसिएटेड है तो पोलो आपका आंसर होना चाहिए। इजरा कप को आप जो है अजलान शाह कप के साथ जो है क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे। अजलान शाह जो कप है आपका, ये सर आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा? ये जो है हॉकी के साथ देखने को मिलेगा वहीं पे सर। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे गोल्फ के बारे में। तो गोल्फ की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको क्या याद रखना है सर, इसमें सबसे पहले वॉकर कप याद रखना है, राइडर कप याद रखना है। ये जो राइडर कप है सर पहली बार किसने जीता था ये भी आपको जो है बताना है, और वॉकर कप ये पता होना चाहिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये जो है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, तीन आपको इसमें याद रखने हैं। कोलंबो कप हमने पहले भी देखा हुआ है, राइट। तो हम इसीलिए जो है रिपीटिशन हो रही है ऐसे इवेंट्स की, ऐसे जो है ट्रॉफीज की, तो उनको नहीं पूछेगा जो अपने आप में यूनिक है, सिर्फ वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो राइडर कप किसके साथ एसोसिएटेड है? गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो कप किसके साथ एसोसिएटेड है? गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। वहीं पे वॉकर कप जो है किसके साथ एसोसिएटेड है ये देखने को मिल जाएगा, गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। अब हम बात करेंगे सर बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? बैंगलोर कप। बैंगलोर कप के बाद जो है आपको क्या पता होना चाहिए? विलियम्स कप याद रखना है, नहीं रखना है, बढ़ो आगे। उसके बाद वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो बुर्दवान कप को याद रख लेना, बस एक ही तो याद करना है। एयर रेसिंग की यदि हम बात करते हैं तो क्या देखने मिल जाएगा सर, इसमें जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा? जसवंत सिंह ट्रॉफी को याद रखोगे आप, एयर रेसिंग भी, जसवंत सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द एयर, दैट्स इट। तो इसी के साथ जो है हमारे ये कंप्लीट होते हैं सारे के सारे इवेंट्स। अब हम क्या देखेंगे सर, सारी सारी ट्रॉफीज हमने देखी, अब हम नेशनल की अलग से देखेंगे और इंटरनेशनल की अलग से देखेंगे, और जो है कौन किसके साथ एसोसिएटेड है इसको हम जानेंगे, और उसी के साथ जो होगा हमारी ये वीडियो एंड होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहले जो है इजरा कप नेशनल को देख रहे हैं, सबसे पहले इजरा कप अभी अभी हमने पढ़ा किसके साथ एसोसिएटेड है, पोलो के साथ एसोसिएटेड है। ऐसे ही आपको बेंटन कप जो है हॉकी के साथ है, देवधार ट्रॉफी ऑलरेडी हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं क्रिकेट के साथ है, ध्यानचंद जो है किसके साथ में देखने मिल जाएगा सर, ये भी हॉकी के साथ में होगा। बीसी रॉय मैंने बोला था ये फुटबॉल के साथ है, दिलीप ट्रॉफी सर किसके साथ है ये भी देखने को मिल जाएगी क्रिकेट के साथ में। वहीं पे दुरंत कप अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ये फुटबॉल के साथ है, गुरु नानक देव जहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड दिखा सीधा हिट करोगे आप हॉकी। ईरानी ट्रॉफी अभी हमने पढ़ा है क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने मिल जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे डिस्क्रिपेंसी लग रही है, जस्ट वेट अ मिनट। तो जो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप होगा ये बेसिकली दो इवेंट्स में खेला जाता है, ये हॉकी में भी खेला जाता है और जो है बैडमिंटन में भी खेला जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि हम बात करते हैं मुरुगप्पा को गोल्ड कप की, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। नेहरू ट्रॉफी सर हमने हॉकी में भी देखी है, बोट रेसिंग में भी देखी है। उसके बाद निजाम गोल्ड कप याद करना है, हाँ ये किसके साथ है? हॉर्स रेसिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। रंगास्वामी कप हम ऑलरेडी देख चुके हैं हॉकी के साथ होगा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ में। रोवर कप हम पढ़ के आए हैं किसके साथ एसोसिएटेड? फुटबॉल के साथ में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ में। शीश महल ट्रॉफी जो होगी ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। सुब्रतो मुखर्जी जहाँ वर्ड मुखर्जी किया सीधा आप फुटबॉल के साथ लिंक करो। विट्ठल ट्रॉफी फुटबॉल के साथ में। विजय हजारे अभी मैंने बताया था क्रिकेट के साथ है। विजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ में। यादविंद्र कप सर किसके साथ है? हॉकी के साथ में, बस इतना पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे सर किसके बारे में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल जाएगा? अमेरिकन कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा याद रखना है। अमेरिकन कप किसके साथ एसोसिएटेड है? याच रेसिंग, रेसिंग के साथ जो है एसोसिएटेड है। वहीं पे एशेस क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, हमें पता है। कोलंबो कप जो होगा ये आपने कहाँ पे देखा सर? फुटबॉल में भी देखा होगा, और जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा? और बहुत सारे इवेंट्स में ये चलता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सर डेविस कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविस कप किसके साथ है? टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल इवेंट है। वहीं पे होल्कर कप किसके साथ में एसोसिएटेड है? ब्रिज के साथ जो है एसोसिएटेड है, पता होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मेडिका कप किसके साथ में? फुटबॉल के साथ में। वहीं पे राइडर कप गोल्ड के साथ में, और वहीं इसके बाद आपको क्या देखने मिल जाएगा? सुल्तान अजलन शाह, ये आपको हॉकी के साथ देखने को मिल जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। थॉमस कप किसके साथ एसोसिएटेड है? बैडमिंटन के साथ है, हमने देखा है, राइट। ऊबर कप किसके साथ एसोसिएटेड है? बैडमिंटन के साथ है, हमने ये देखा है। उसके बाद आपको क्या देखने मिल जाएगा सर?
विलियम जोन्स जो कप है ये किसके साथ एसोसिएट है, बास्केटबॉल के साथ में, बिल्डबन किसके साथ है ये देखने मिल जाएगा आपको, ये देखने मिलेगा आपको टेनिस के साथ में। तो इसी के साथ जो होगी हमारी ट्रॉफी सारी की सारी कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। यदि आ चुका है देन वट यू कैन डू, यू कैन प्रेस द लाइक बटन, वट एवर द सजेशन यू आर हैविंग द रिगार्डिंग द वीडियो यू मे राइट इट डाउन इन टू द कमेंट बॉक्स। और सर आप क्या कर सकते हो, आपको जो है अब जो भी एफ कैट की जीके के टॉपिक चाहिए जो आपको लगता है कि पहले आने चाहिए, हो सकता है कवर तो सारे के सारे होंगे लेकिन हो सकता है कि आपकी जरूरत उनकी अभी की हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो ताकि जो है हम उनके ऊपर काम कर पाएं। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा एंड थैंक यू सो मच।